विजयते श्रीमन्मथुराधीश प्रभु। जीवन में सदाचरण है तो कोरोना से डरे क्यों? अगर आप पुष्टि मार्ग हैं तो कोरोना से फिर भय कैसा? संपूर्ण विश्व में भय व्याप्त है। समस्त विश्व एक भयानक परिस्थिति से गुजर रहा है। सबके संगठित प्रयासों से अवश्य जल्द ही विश्व में सुखमयी शांति स्थापित होगी, लेकिन यह भय स्वयं मानव निर्मित ही है। अगर हम प्रकृति के स्वाभाविक नियम से जीवन जीते तो कभी ऐसी भयावह परिस्थिति नहीं आती। परंतु अब भय सामने ही है तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह समय कोरोना जैसे भय पर अभय होकर प्रहार करने का समय है। शास्त्र हमें भय से लड़ना सिखाता है। तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम न आगतम, आगतम ही भयम वीक्ष प्रहर्तव्यम अभीतवत। भय से तब तक ही डरना चाहिए जब तक भय पास ना आ जाए। आए हुए भय को देखकर बिना भय से उस पर प्रहार करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस विश्वव्यापी कोरोना वायरस के भय पर समझदारी से प्रहार करें। हमारी समझदारी इस समय यही है कि इस भय के आने का हम कारण ढूंढें कि यह कोरोना आया ही क्यों। इसके विश्व में व्याप्त होने का एकमात्र कारण हमारे प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करना है। अभक्ष्य भक्षण आदि के कारण एवं हम शास्त्रों के द्वारा बताए गए सदाचार धर्म से बहुत दूर हो गए। आचारः परमो धर्मः हमारे जीवन का यह प्रथम सूत्र है कि जीवन में सदाचरण का पालन करना। इसी आचरण का पुष्टि संप्रदाय में अक्षरशः पालन किया जाता रहा है। तन की शुद्धि और मन की शुद्धि सदाचार का प्रथम चरण है। पुष्टि मार्ग में हम इस आचरण को अपरस अस्पर्श के नाम से जानते हैं। तो आइए पुष्टि संप्रदाय की दृष्टि से हम कोरोना से सुरक्षा का उपाय देखते हैं। अगर सभी वैष्णवजन पुष्टि मार्ग सिद्धांतों का पालन करते हैं तो स्वतः आपकी कोरोना से सुरक्षा है। यथा ही जिस प्रकार आजकल घर में रहने का ही सुझाव दिया जा रहा है, तो श्री वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, घर में ही स्वधर्माचरण पूर्वक भगवत सेवा करें। पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक श्री आचार्य चरण की आज्ञा है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य, श्री कृष्ण की सेवा सदा करें। किंतु कृष्ण सेवा के लिए देह शुद्धि बहुत जरूरी है। अतः श्री वल्लभाचार्य के ज्येष्ठ आत्मन श्री गोपीनाथ जी इस विषय में आज के संदर्भ में आज्ञा कर रहे हैं कि हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। पुरानी आज्ञाएं आज भी इस वातावरण में किससे कितनी सटीक बैठती है। आज्ञा इस प्रकार है, देह शुद्धि सदा कार्य कर शुद्धि विशेषतः सावधना तया वारम वारम कर प्रक्षालम करणीयम। तो सावधान तया वारम वारम कर यानी हाथ प्रक्षालम करणीयम। तो वैष्णव को तो देह शुद्धि का ध्यान रखना ही चाहिए, इससे भी विशेष रूप से कर शुद्धि का ध्यान रखें, हाथ बार बार धोएं। और WHO के कोरोना के से बचाव के निर्देशों में हाथ अच्छी तरह से धोने का यह मुख्य निर्देश है। इसी प्रकार प्रभु को भोग धर के ही प्रसाद ग्रहण करें। ऐसे स्थिति में घर का पौष्टिक भोजन ही ग्रहण करें। किसी भी रोग से लड़ने के लिए अपने रोग प्रतिरोध शक्ति सशक्त होनी चाहिए। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो शरीर की इम्यून पावर बढ़ती है। इसमें पौष्टिक भोजन के साथ मन का प्रसन्न रहना बहुत ही जरूरी है। अतः थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक विचार करें। हमारे यहाँ सकारात्मक विचार के लिए सतत श्री कृष्ण शरणम मम अष्टाक्षर मंत्र का जाप करना बताया गया है। वैष्णव के लिए सबसे ज़्यादा सकारात्मकता प्रभु के नाम से आनंद प्राप्त करना होता है, और उससे आनंद मिलता है, मन प्रसन्न होता है। मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। हमारे यहाँ दूर से ही भगवत स्मरण, जय श्री कृष्ण,
नमस्कार आदि करने का प्रचलन है। सेवा में अस्पर्श अर्थात प्रभु के अलावा किसी का भी स्पर्श नहीं करना, वही अस्पर्श भाषा में अपभ्रंश हो जाने से वर्तमान में अप्रस कहा जाता है। पुष्टि मार्ग एक स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाता है, अतः अप्रस आदि का ध्यान रखें, अच्छी तरह से बार बार हाथ धोएं, अनावश्यक बाहर न निकलें, घर का पौष्टिक भोजन करें और भयभीत न हो, सुरक्षित रहें, सदा आनंदित रहें। श्री मथुराधीश प्रभु की कृपा से जल्दी ही सर्वत्र आनंद होगा। हम संपूर्ण विश्व के लिए एवं विशेषतः अपनी भारत भूमि के लिए प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र ही सर्वत्र आनंद का प्रसार हो, कोरोना का भय शीघ्र समाप्त हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। किम् अधितम्। श्रीवल्लभाधीश की जय।